आज जो है गुरु नानक देव जी की 554वीं प्रकाश पूर्व पूरे दुनिया में जो है मनाया जा रहा है। इसी मौके पर जो है गुरुद्वारा छठी पातशाही बारामूला में भी जो है इस पवित्र दिन का आयोजन किया गया। हमने यहाँ पर जो है ज़िला पुलिस बारामूला की ओर से चाक चौबंद सिक्योरिटी के इंतजाम सुबह से जो है आयद किए हुए हैं। आज के इस पवित्र दिन पे मैं तमाम लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, ख़ास तौर पे बारामूला के जो बाशिंदे हैं उनको जे एंड के पुलिस की तरफ से लाख लाख बधाइयाँ पेश करता हूँ और यही ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि गुरु नानक देव जी की जो सिखलाई है, जो उनकी अच्छी बातें उन्होंने हमें सिखाई भाईचारे की, अमन की, वो हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा अमल में लाए और एक दूसरे के साथ भाईचारे से पेश आए, अमन से पेश आए, लोगों में खुशहाली हो, लोगों में हमेशा जो है एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, आदर हो और ऊपर वाला ऐसे ही हमें खुश रखे और खुशियां फैलती रहे। सबसे पहले आपके हवाले से मैं सारे कश्मीर को, तमाम बरादरीन को, सिख संगत को आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पे हार्दिक बधाइयां देता हूँ। आज हम गुरु नानक देव जी का जो जन्मदिन है पूरे देश में मना रहे हैं और बड़ी उत्साह से मना रहे हैं। आज ही उनकी पैदाइश हुई थी तो इस सिलसिले में ये सारे देश में ही हर जगह ये बहुत ही उत्साहपूर्ण से मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पे लोगों का बड़ा उत्साह होता है और बड़े ही चाव से सब आते हैं और आपको ये जानकर खुशी होगी कि पिछले 4 दिन से भी प्रभात फेरी, जो सुबह सुबह जो कीर्तन का एक समा बनता है, लोग अपने घरों से चल के यहाँ आते हैं जत्थेबंदी में, तो शायद बहुत ही सालों के बाद ये शुरू किया गया है तो बहुत लोग इसमें पार्टिसिपेट हुए और सुबह सुबह यहाँ सब कम से कम कुछ नहीं कुछ नहीं तो 200-400 आदमी रोज़ यहाँ आता था तो लोगों में बड़ा उत्साह देखा गया। और मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छे हालात की भी निशानी है, भाईचारे की भी निशानी है। गुरु साहब ने खुद कहा है, अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के हम सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजिया, कौन भले कौन बंदे। उन्होंने ये बड़ा स्पष्ट किया है कि हम सब एक ही डिवाइन लाइट के बच्चे हैं, हमारे लिए सब खुदा, अल्लाह, राम, रहीम, वाहिगुरु सब एक है। हमें उस भाईचारे में चलना चाहिए, एक एतमाद में चलना चाहिए, एक दूसरे के साथ इज्जत में रहना चाहिए और इस हालात को देखकर भी ही जिसमें जिस इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, दुनिया में बहुत मौका परस्ती, मतलब परस्ती आ गई है, अगर हम गुरु साहब की जो ये बोली पर हम विचार करें, उन पर चलें, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं इसी सिलसिले में एक चीज़ और से भी आपसे कहना चाहूँगा कि आपके हवाले से ये बात अगर गवर्नमेंट को पता चले तो हम, ये मैंने पहले भी कुछ दिन पहले कहा है, हम चाहते हैं कि जो पंजाबी लैंग्वेज को 2020 में हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज से निकाला गया है उसको बहाल किया जाए, क्योंकि इससे हमारे सिख बरादरी में बड़ा रोष है और कहीं ना कहीं हम इसको गवर्नमेंट को ही इस चीज़ का जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का ही फ़र्ज़ है ये चीज़ों को देखना। अगर हम गोजरी और कश्मीरी ज़बान या बाकी जो ज़बान, उनकी वो बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, किसी भी अगर हम कौम से हमने उसकी अगर आइडेंटिटी खींचनी है तो उसकी लैंग्वेज उससे खींच लो। तो आप खुद सोचिए, अगर हमारी लैंग्वेज हमसे खींची जा रही है या खींच चली है तो इस कौम का क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारी गवर्नमेंट पे, हमारे भाइयों पे, उनकी जिम्मेदारी आयत होती है कि इस चीज़ को वो सही क्वार्टर तक पहुँचाएँ और इस मसले का हल किया। मैं आपको ये हमेशा पहले भी बताया हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर DC साहिबा, हमारे ACR साहब, ACD साहब, SP साहब, हमारे एग्जियन PDD, PHE, ये सब हमेशा बहुत हमें तावन देते हैं और हमें आज तक कभी इनसे शिकायत नहीं हुई। इनफैक्ट म्यूनसिपल्टी की तरफ से भी बड़ा साफ़ सफाई का भी जो अभियान चलाया गया है, हर तरीके से सिक्योरिटी, CRPF, ये सब ने बड़ा अच्छा तावन देते हैं और इस जो ये आयोजन को जो है, ये जो हमारा पर्व मनाया जाता है, इसको बड़े सफल तरीके से फिर ये इसकी हर चीज़ में शुमरित होती है। जी, मैं आपको भाईचारे का ही मैसेज दूँ कि गुरु नानक देव जी का ही ये एक मैसेज है सारी दुनिया के लिए कि हमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमें प्यार और खुलूस से रहना चाहिए और एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे के धर्मों का हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका हमेशा से ही ये मानना रहा है और हम भी सारी दुनिया को अपील करते हैं कि भाईचारे में रहें। सर, यहाँ पे ये हमारा फ़र्ज़ है
क्योंकि ये पेरेंट बॉडी है, हम डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हमारे पास 11 इंस्टीट्यूशंस गुरुद्वारे जो हैं हमारे पास हैं, और एक स्कूल भी है, और उसके अलावा जितने भी इलाके में गुरुद्वारे हैं, जब जब उनको हमारी किसी हालत में भी ज़रूरत पड़ती है हम हमेशा पेश रहते हैं, और चाहे वो फाइनेंशियल हो, मॉरल हो, जो भी सपोर्ट चाहिए होती है हम हमेशा आगे रहते हैं। छठी पातशाही काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है यहाँ पे, तो आज यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? देखिए आज जैसे आपने अभी खुद देखा ही होगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला से लोग यहाँ पधारे हैं, रफियाबाद से पधारे हैं, मतलब आप एक एंड से शुरू करें हमारा दर्दापुरा से लेके रफियाबाद, दीदारपुरा, यहाँ उड़ी, टंगमर्ग, हर तरफ से लोग आते हैं और हज़ारों की तादाद में आए हुए हैं। और मैं समझता हूँ जिस हिसाब से हम आज इतना जो इकट्ठा है, वो इकट्ठा जिसको हम बोलते हैं पंजाबी में, वो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट इससे हमें एक चीज़ का और भी इशारा मिलता है कि ऊपर वाले ने एक मौसम अच्छा रखा और हालात भी बहुत अच्छे हो गए हैं, जिसके करके लोग खुशियों में शामिल होते हैं, खुश हैं। जितना जितनी हमारी चादर हमें इजाज़त देती है हम ज़रूर उनकी मदद करते हैं और करते रहे हैं अभी तक, तो इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि कभी कोई ऐसा गरीब या जिसको ज़रूरतमंद है, जिसको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, उसकी ज़रूरत के हिसाब से और अपनी चादर के हिसाब से मदद कर सकते हैं, ज़रूर करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया सर।